अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो जी, आज का व्लॉग शुरू हो रहा है नाश्ते से। जैसे आप लोगों सबको पता है कि मैं आजकल डाइट कर रही हूँ, तो ये है जी मेरा ब्रेकफास्ट, जिसमें दो बॉयल्ड एग हैं और साथ में है हाफ ऑरेंज। और बाकी सब लोग क्योंकि डाइटिंग पे नहीं है, इसलिए बाकी सब लोग खा रहे हैं गोभी के पराठे और साथ में चाय। अब बाकी यही खाएंगे। रात में हमने गोभी बनाई थी, तो हमने लेफ्ट ओवर गोभी जो बच गई थी उसके सुबह में पराठे बना लिए थे। आई नो आप लोगों के मुंह में पानी आ रहा होगा ये पराठे देखकर, लेकिन पता नहीं बहुत दिन से मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि घर का खाना मुझसे बिल्कुल ही खाया जाता। इसीलिए मैंने सोचा था कि मैं डाइट करूँगी, क्योंकि जब भी कुछ पकाती थी या खाने लगती थी तो दिल ही नहीं करता था खाने को। और साथ में जो चाय बन रही है, चाय हमारे घर में वैसे कोई भी इतने बहुत शौक से नहीं पीता, बस एक दो दफ़ा घर में पी ली दिन में। मेरे हस्बैंड तो एक दफ़ा पीते हैं सुबह जब काम पर जाने लगते हैं, और भाई हैं जो दिन में दो तीन बार पी लेते हैं चाय। मैं सिर्फ टी बैग वाली चाय पीती हूँ, मुझे ये मिक्स चाय बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। लेकिन इस डाइट में मैं वो भी नहीं पी सकती हूँ, क्योंकि इसमें डेयरी प्रोडक्ट्स बिल्कुल मना है। दूध, दही, चाय वगैरह मैं कुछ भी नहीं ले सकती हूँ। इसीलिए हमने नाश्ता ही आज इतनी लेट किया था, इसलिए दोपहर का खाना हमने नहीं खाया था। और फिर शाम में हम लोग बाहर चले गए थे, क्योंकि शांजे बहुत ज़िद कर रही थी कि उसको कहीं प्ले एरिया या प्ले लैंड वगैरह जाना है। तो हम रात को मॉल चले गए थे, वहाँ पर एक नया प्ले एरिया बना था जिसमें शांजे फर्स्ट टाइम गई थी, जिसमें सैंड पिट थी और बॉल्स थे अंदर, और भी बच्चों की बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी, तो उसमें शांजे ने बहुत इन्जॉय किया। बाकी मॉल्स में जो इस तरह के प्ले एरियाज़ बने हुए हैं, वहाँ पे एज रिस्ट्रिक्शन होती है कि 2 से 3 साल का बच्चा जा सकता है या 4 साल का मैक्सिमम। इसमें जो थी वो एज रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, इसलिए बड़े बच्चे भी जो थे अंदर इन्जॉय कर रहे थे। शांजे को बहुत मज़ा आया, उसने बहुत इन्जॉय किया। आज वैसे स्पेशली हम जिमल के लिए बाहर गए थे कि हम जिमल को जाके कोई झूले दिलवाएंगे बाहर जो मॉल में होते हैं, लेकिन जिमल मॉल में जाते ही सो गई थी। अभी भी वो मेरी गोद में सो रही थी। ये जितने भी व्लॉग बनाया है, वीडियो बनाई है, ये मेरे हस्बैंड ने बनाई है, वो ही शांजे को सारी उसकी वीडियोस और फोटोज़ वगैरह लेते रहे मेरी गोद में, क्योंकि जिमल थी सो रही थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना सकी। बाकी और भी जहाँ जहाँ हम गए, अंदर बच्चों के साथ उनकी मदर्स भी अलाउ थी। मेरा दिल था कि मैं अंदर जाऊं शांजे के साथ, लेकिन मैं नहीं जा सकी। मैंने आपको बताया जमल सो रही थी मेरी गोद में, और बाहर चेयर्स लगी हुई थी ताकि पेरेंट्स वहाँ पर बैठ जाएं और अपने बच्चों को देखते रहें बच्चे क्या कर रहे हैं। ये काफ़ी बड़ा एरिया था और मुझे इतना अच्छा लग रहा था ये कि मेरा खुद दिल कर रहा था कि मैं अंदर जाऊँ। नेक्स्ट टाइम जब भी शांजे जाएगी तो मैं शायद उसके साथ अंदर जाऊँ और देखूँ अंदर और क्या क्या है। जो लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं और जद्दा में ही रहते हैं, तो मैं उनके लिए बता दूं अगर उनको नहीं पता ये कि ये प्ले एरिया कौन से मॉल में है। तो जी, ये है एंथुलस मॉल में। जो भी लोग जद्दा में रहते हैं वो इसको विज़िट कर सकते हैं, और इसकी टिकट है 52 रियाल की। 50 रियाल की टिकट है, 2 रियाल ऊपर टैक्स है, और साथ में फ्री टाइम है। जितना मर्ज़ी बच्चे अंदर खेलें, जितनी मर्ज़ी दफ़ा इन और आउट करें, उनके हाथ पे एक रिस्ट बैंड पहना देते हैं, और उसके बाद जितनी मर्ज़ी दफ़ा बच्चा बाहर आए अंदर जाए, जितनी देर आप मॉल में आपको शॉपिंग करनी है आप अपने बच्चों को इजीली अंदर छोड़ें और रिलैक्स हो जाएं, बिल्कुल बाहर नहीं जाने देंगे। और काफ़ी अच्छा था ये, मुझे बहुत अच्छा लगा। बस यहाँ से फ्री होके हम सीधा घर ही गए थे और कहीं नहीं रुके थे, और घर जाके बाकी सब लोग खाना खा रहे हैं। और मैंने आज बनाई हुई थी चिकन कढ़ाई, और नान हमने रास्ते में से ही ले लिए थे, तो ये लोग सब खाना खा रहे हैं। मुझे भी बहुत भूख थी, इसीलिए मैं जो हूँ घर आती। मेरा आज का जो मील था, सेकेंड मील मेरा, वो ब्राउन ब्रेड थी एक पीस, और उसके ऊपर फेटा चीज़ थी, और फेटा चीज़ के साथ ऊपर टमाटर थे। ये तीनों चीज़ें मैंने कंबाइन कर ली। आप सेपरेट खाना चाहें सेपरेट भी खा सकते हैं, इस तरह कंबाइन करना चाहें कंबाइन भी खा सकते हैं। बहुत 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 मज़े का ये सैंडविच बना था, मैंने बहुत इन्जॉय किया। लेकिन एक ही, क्योंकि एक पीस अलाउ था, तो मुझे इतना ही उसकी क्वांटिटी के हिसाब से ही खाना था। बाकी सब लोग नान और कढ़ाई खा रहे थे, लेकिन देखें फिर भी मैंने ये पीस अपना ख़त्म किया। और उसके बाद जो है, मेरी कमर में आज बहुत दर्द थी, तो उसके लिए खा रही हूँ मैं ये पेन किलर, और साथ में मसल मेरा पुल हुआ हुआ था कमर का, उसके लिए मैं ये रिलैक्सोना खाऊंगी।
जिससे ये ठीक हो जाएगा। अभी मैंने फार्मेसी से ये दवाइयाँ ली हैं वापसी पर, क्योंकि डॉक्टर पे आपको पता है यहाँ पे बहुत टाइम लगता है डॉक्टर्स पे, इसीलिए इतना जाना आसान नहीं होता। तो इसलिए मैंने वापसी पर ये दवाई पकड़ ली थी। और जी अब मैं साथ साथ आपके साथ अपना रात का मील भी शेयर कर दूं, जो मेरा थर्ड एंड फाइनल मील था, जिसमें मुझे मीट खाना था। तो मैंने ये बीफ लिया है, इसमें लैम्ब अलाव नहीं है, तो मैंने बीफ के जो कबाब बनाए थे घर में। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। ये ऑयल में फ्राई नहीं होते हैं, इसको मैंने तवे के ऊपर सेका था अपना कुकिंग स्प्रे लगाकर, जो या आपके पास नॉन स्टिक पैन हो उस पर एक ड्रॉप ऑयल डालकर आप उसमें बना सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे बने थे। तो अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ मैं अपना व्लॉग वाइंड अप करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।